स्पॉटिफाई टॉप 10 बेस्ट भूत या कोई आत्मा या कुछ और कोरियन ड्रामा जो सभी हिंदी लैंग्वेज पर अवेलेबल है एमएक्स प्लेयर नेटफ्लिक्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार जियो सिनेमा जैसे बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर में। जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तुमने क्या सुना था? कभी किसी फूल के खिलने की आवाज सुनी है? ये सभी ड्रामा जो है वो हाल फिलहाल में आ रहे हैं और कोशिश करी गई है कि ऐसे यूनिक ड्रामास को कवर करा जाए इस वीडियो के अंदर में जो आप सभी को बहुत ज्यादा एंटरटेन करे और आपके होश उड़ाकर रख दे। मेरी बनाई दुनिया में खूब मजे करना। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि भाई मौसम बिगड़ने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सी वीडियो। तो पहले जो ड्रामा निकल आया था ना वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है पर बहुत ज्यादा बढ़िया, आपको एक बार ट्राई जरूर से करना चाहिए, जिसका नाम है लिसन टू लव। और इसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिल रखी है। और ये जो ड्रामा अवेलेबल है ना वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इस ड्रामे में ना बहुत ज्यादा कॉमेडी हमें देखने को मिलती है और ऐसी कॉमेडी होती है ना जहाँ पर आपको हंसी इतनी ज्यादा आएगी पर जो सिचुएशन पर हंसी आएगी ना वो बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाली है। मुझे पता चला है कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? वो उससे मिलने वाली है, प्लीज मुझे बताइए, मेरे पास सिर्फ 3 दिन है। होता क्या है कि जो हमारा मेन लीड है ना वो शादीशुदा जिंदगी अपनी बिता रहा होता है अपनी प्यारी सी बीवी और अपने बच्चों के साथ में, पर एक दिन हमारे मेन लीड को पता चलता है कि जो उसकी बीवी है ना उस पर चीट कर रही है। इसके बाद में हमारे मेन लीड को नहीं पता भाई उसे क्या करना चाहिए, तो ये बात वो अपने क्लोजेस्ट दोस्त को बताता है। और साथ ही में सिचुएशन को और अच्छे से समझने के लिए हैंडल करने के लिए वो ऑनलाइन जाकर अननोन आईडी से काफी सारे लोगों के साथ में शेयर करने लग जाता है कि उसकी जिंदगी में क्या बीत रहा है। ऐसे में उसे काफी सारी एडवाइस देते हैं और इस बीच हमारे मेन लीड किन किन मुश्किलों से गुजरेगा इमोशनली, उसे अपनी बीवी के बारे में लास्ट में क्या पता चलेगा, वही सब आपको इस ड्रामे के अंदर में बहुत ज्यादा कॉमेडी वाले और इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है, जिसे देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आता है। और स्टोरी इतनी अच्छी है ना भाई, आप इसमें खो जाओगे तो जाकर जरूर से देखना, बहुत हंसी वाले मोमेंट तो है इसमें। इस ड्रामे के अंदर में टोटल 12 एपिसोड रहने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में जो एक नंबर ड्रामा रहने वाला है और उसका नाम है माय डियरेस्ट। और इसे IMDb पर 8.9 जैसी अमेजिंग सी रेटिंग मिल रखी है। और ये जो ड्रामा है ना वो एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज पर अवेलेबल है। जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तुमने क्या सुना था? कभी किसी फूल के खिलने की आवाज सुनी है? कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हमारे मेन लीड की, जिसकी हिडन आइडेंटिटी है, मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी काफी सारे लोगों से छुपा के रखी हुई है, एक सीक्रेट एजेंट टाइप का समझ लो आप। और यहाँ पर जो हमें कहानी देखने को मिलती है ना वो जोशियन पीरियड के टाइम कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पर हमारा मेन लीड एक गाँव के अंदर में जाता है जोशियन के, और वहाँ पर मौजूद एक फेमस लड़की से उसे प्यार हो जाता है पहली नजर में। पर इसी बीच ना उस कोरियाई एम्पायर के ऊपर में ना चाइनीज लोग हमला कर देते हैं और उस बीच हमारे मेन लीड की लवर फंस जाती है और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है, मतलब हर किसी से लड़ने वाला है वो, यहाँ तक कि वो चाइनीज मिलिट्री को भी नहीं छोड़ने वाला है। युद्ध में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा और उसकी जो लव स्टोरी रहने वाली है ना वो सबसे ज्यादा यूनिक रहने वाली है। आज तक आपने ऐसी लव स्टोरी कहीं पर नहीं देखी होगी। लव स्टोरी ड्रामा और वॉर एक्शन आपको देखना पसंद है तो आप इसे जाकर जरूर से ट्राई कर सकते हैं। ड्रामा के अंदर में ज्यादा एपिसोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 21 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे थोड़े से फैंटेसी कोरियन ड्रामा के बारे में जो सच में अमेजिंग है, जिसका नाम है इनटू द वर्ल्ड अगेन। और उसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिल रखी है। और इस ड्रामा को आप MS Play के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज पर एंजॉय कर सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मरने के बावजूद मैं यहाँ कैसे? हे संग वापस आ गया है। नशे में हो? मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, देखने को मिलने वाली है हमारे मेन लीड की, जो कि एक स्कूल में पढ़ता है यानी हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, और साथ ही में उसकी एक प्यारी सी लव स्टोरी चल रही होती है उसी बीच। पर इसी बीच उसका ना एक बहुत भयंकर सा एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट, और वो उस दुनिया से चला जाता है। अब काफी साल बीत चुके हैं उसे इस दुनिया से गए हुए और उसके दोस्त उसे अभी भी याद कर रहे होते हैं। इसी बीच एक चमत्कार होता है, हमारा मेन लीड ना वापस से दुनिया के अंदर में आ जाता है, पर वो उसी उम्र का होता है जिस टाइम उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। ये सिचुएशन ना काफी ज्यादा स्ट्रेंज हो जाती है उन सभी के लिए। और इसी बीच हमारा जो मेन लीड है ना वो अपने मर्डर केस को भी सॉल्व करने वाला है, क्योंकि उसका जो कार एक्सीडेंट केस था ना वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है और उसे उस बीच बहुत डार्क सीक्रेट पता चलने वाले हैं। और उसी बीच वहाँ पर हमें हमारे मेन लीड की एक प्यारी सी लव स्टोरी भी देखने को मिलने वाली है। आगे क्या कुछ होगा वो आप इस ड्रामा के अंदर में देखिए। ड्रामा के अंदर में टोटल 20 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे ग्यूंग सुंग रेचर नाम कोरियन ड्रामा के बारे में, जिसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिल रखी है। मुझे पता है मैंने इसे काफी बार कवर कर दिया है, पर इस लिस्ट में इसे कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। हाल फिलहाल में इस ड्रामा का ना season 2 भी आ रहा है, जो अभी बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ना हमें सिंपल सी स्टोरी कद्दूबिन देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर थोड़ी सी फैंटेसी वाली लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो आप सभी का दिमाग हिलाकर रख देगी। साथ ही में यहाँ पर आपको मॉन्स्टर भी देखने को मिलेंगे। अगर तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता था तो तुम कभी नहीं चाहोगे कि मेरी याददाश्त वापस आ जाए। कहानी होती है जोशियन पीरियड के टाइम की, जहाँ पर कोरियाई साम्राज्य के ऊपर में जापानीज का भी कब्जा है और जापानीज लोग जो है ना वो मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर में जोशियन के लोगों के साथ में एक बहुत ही भयानक सा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत खतरनाक सा मॉन्स्टर तैयार कर दिया होता है। इस एक्सपेरिमेंट को और उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे मेल और फीमेल लीड जी जान लगाने वाले हैं और उस बीच उन्हें बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो उन सभी की जिंदगी बदलने वाला है। आगे क्या कुछ होगा वो इस ड्रामा के अंदर में आप देखिए। ड्रामा के अंदर में टोटल
17 एपिसोड है सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में, और लेंथ रहने वाली 50 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में जिसका नाम है डाली एंड कॉकी। प्रिंस और इसे IMDb पर 8/10 रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? एक पेंटिंग खराब होने से तुम मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव करते हो, वो भी इस तरह लड़की के सामने? ये जो ड्रामा है ना वो एक कॉमेडी रोमांस ड्रामा रहने वाला है और जहाँ पर हमारा जो मेन लीड है ना वो काफी ज्यादा समझदार होता है पैसे कमाने में, और इसी बीच वो हमारे फीमेल लीड का एक आर्ट गैलरी खरीद लेता है क्योंकि हमारी फीमेल लीड जो है ना वो अपने आर्ट गैलरी को नहीं बचा पा रही होती है, वो डेट में होती है। पर यहाँ पर हमारे मेन लीड को ना किसी रीजन की वजह से उस आर्ट गैलरी को टॉप पे लेके जाना है, पर यहाँ पर भी एक ट्विस्ट रहता है कि भाई हमारे मेन लीड को आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसे में हमारी फीमेल लीड से मदद लेता है और इसी बीच इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर उस आर्ट गैलरी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है सभी के लिए और इसी बीच इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वही सब आपको इस ड्रामा के अंदर में देखने में काफी मजा आएगा और बहुत सारे कॉमेडी वाले सीन्स भी इस ड्रामा के अंदर में हैं। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड रहने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 63 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में जिसका नाम है मूनशाइन और इसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं कहां पर? जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर। ये जो ड्रामा है ना इसमें जो हमारा मेन लीड है ना वो काफी ज्यादा फेमस है और हमारी फीमेल लीड भी यहां पर पीछे बिल्कुल भी नहीं है और इन दोनों ने यहां पर इस ड्रामा के अंदर में काफी अच्छी एक्टिंग कर रखी है। क्या तुम पक्का ठीक हो ना? मुझसे कुछ मत पूछो और ऐसे मत देखो जैसे बहुत फिक्र है, मुझे अजीब लगता है। कहानी जोशन टाइम के पीरियड की देखने को मिलती है जहाँ पर राजा जो है ना वहाँ का बोलता है कि भाई शराब अब कोई नहीं पी सकता, ना बेच सकता, ना बना सकता है। ये चीज ना गैर कानूनी हो चुकी होती है, जो भी ये करता हुआ पकड़ा गया उसे जेल के अंदर में डाल दिया जाएगा। पर हमारी फीमेल लीड यहाँ पर कम नहीं होती है, उसे पैसा कमाने के लिए शराब बनानी पड़ती है और इसी बीच हमारा मेन लीड जो है ना एक शराब पकड़ने वाला ऑफिसर बन जाता है भाई। और सबसे ज्यादा कमाल की बात क्या होती है इस ड्रामे के अंदर में, जहाँ पर हमारा मेन लीड रुका होता है ना, जिस घर में रुका होता है वो हमारी फीमेल लीड का ही होता है, मतलब वो उसके नाक के नीचे शराब बना रही होती है। आगे इसकी स्टोरी आप खुद ही इस ड्रामा के अंदर में देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग से रहने वाली है। साथ ही में जो हमारी फीमेल लीड की लव स्टोरी है ना वो एक नंबर रहेगी। जो तीसरा लव इंटरेस्ट है इस ड्रामा के अंदर में वो जोशुआन डायनेस्टी के राजा का बेटा होने वाला, यानी प्रिंस के साथ में तीसरा लव इंटरेस्ट होने वाला हमारी फीमेल लीड का। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 68 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम है हेल्प बाउंड और इसे IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। हाँ यार मुझे पता है मैंने इस ड्रामा को काफी बार कवर कर लिया, पर इसके सीजन 2 के लिए इसे इस बार कवर कर रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल में आ रहा है। मेरी बनाई दुनिया में खूब मजे करना, जो चाहो वो करना। यहाँ पर जो कहानी देखने को मिलती है ना वो थोड़ी सी दिमाग हिला देने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा यूनिक है। क्या होता है ना भाई, कोरिया के अंदर में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स हेल से ऊपर को आते हैं जो बाद में एक पर्टिकुलर इंसान को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उस इंसान को पहले ही बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारी डेथ कब होने वाली, किस डेट और टाइम को होने वाली है। तो उसी तारीख और समय पर वो मॉन्स्टर्स हेल से आते हैं और उस इंसान को खत्म कर देते हैं। तो मतलब साउथ कोरिया के अंदर में पूरा बवाल मचने वाला उन मॉन्स्टर की वजह से सीजन 2 में एंडिंग में हमें लग रहा है कि भाई सीजन 3 भी आने वाला है, तो समझ जाओ कितनी पॉपुलर सीरीज। इसके सीजन 1 सीजन 2 दोनों में 12 एपिसोड रहने वाले जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो भाई अगला ड्रामा कवर कर लेते हैं, उसका नाम है प्रिटी अगली और इसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX Play के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में हमें बहुत ही अलग सा लव ट्रायंगल देखने को मिलता है और स्टोरी जो यहां पर कवर करी गई है ना वो भी बहुत ज्यादा यूनिक है। ये लड़का एक ठगी है, इस जैसे लड़के से तो दूर रहना चाहिए। कहानी देखने को मिलने वाली हमारे मेन लीड की, जो कि एक टपोरी की तरह रहता है पर असल में वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड और दिमाग वाला होता है, यानी कि वो पेशे से लॉयर होता है। दूसरी तरफ में हमारी जो फीमेल लीड है ना कामचोर वाली होती है और उसे जॉब भी नहीं मिल रही होती है, उसकी बड़ी बहन ही सब कुछ संभाल रही होती है। इसी बीच हमारी फीमेल लीड की मुलाकात हमारे मेन लीड से हो जाती है और उसके बाद से इन दोनों की पूरी जिंदगी बदल जाती है। हमारा जो लॉयर मेन लीड है ना वो हमारी फीमेल लीड को कई बहुत ही भयानक सिचुएशन से बचाने वाला है। तीसरा बंदा जो इनके बीच में आने वाला है वो भी उसी दौरान इन्हें मिलेगा। तो आगे क्या कुछ होगा इनकी स्टोरी में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। साथ ही में जो हमारा मेन लीड है ना उसकी बैकग्राउंड को जानकर आप पूरी तरह से हिलने वाले हैं। ड्रामा के अंदर में टोटल 20 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 65 मिनट की। तो अगले ड्रामा के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है जोशुआन अटर्नी और IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं MX Play के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर जो हमें कहानी देखने को मिलती है ना इसके अंदर में थोड़ी कॉमेडी भी है, थोड़ा ड्रामा भी है, मिस्ट्री भी है, थ्रिल भी, एक्शन भी थोड़ा बहुत है। तो बढ़िया, ओवरऑल बढ़िया ड्रामा होता है। ये इंसान एक मसीहा। कहानी देखने को मिलने वाली है हमारे मेन लीड की, जो कि जोशुआन का अटर्नी होता है। सबको लगता है कि भाई वो पैसों के लिए काम करता है, पर असल मोटिव उसका कुछ और ही रहता है। वो बहुत बड़ा गेम खेलने वाला आगे जाके, उसका पास भी काफी ज्यादा डार्क रहता है। इसी बीच जो हमारी फीमेल लीड है ना वो एक राजकुमारी होती है, पर अपनी आइडेंटिटी छुपा के वो एक छोटे से पब में काम कर रही होती है और हमारे मेन लीड को नहीं पता कि भाई वो राजकुमारी है। और इसी बीच बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर हमारा मेन लीड ना बहुत चमत्कारी तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करने वाला है। राजा भी यहां पर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, जो इस ड्रामा को शुरू से लेकर लास्ट तक
आपको देखने पर मजबूर सा कर देगा। लव स्टोरी यहाँ पर बहुत तगड़ी रहने वाली है हमारे मेल और फीमेल लीड की, तो उसे भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड रहने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे वर्ल्ड फेमस बढ़िया रोमांस कॉमेडी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है नो गेम नो लव। भाई इस ड्रामा के बारे में बताऊं, बढ़िया ड्रामा और ये इसी साल आया था और एकदम धमाका मचा दिया इसने। IMDb पर इसे 7.7 की रेटिंग मिल रखी है। तुम्हें यकीन है तुम्हें पछतावा नहीं होगा? पीछे हटने का ये तुम्हारा आखिरी मौका है। कहानी देखने को मिलने वाली हमारी फीमेल लीड की, जो कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जहां पर उसका नुकसान हो रहा है, यानी कि वो फायदा और नुकसान तोल मोल के चलने वाले लोगों में से है। एक दिन उसे अपनी ऑफिस में चल रही एक ऐसी बढ़िया सी स्कीम के बारे में चलता है ना, जिसकी वजह से मैरिड कपल को काफी सारे फायदे मिल रहे होते हैं। और इसी चीज को जानने के बाद में हमारी फीमेल लीड की रातों की नींद उड़ जाती है, इसीलिए उस फायदे को यूज करने के लिए वो शादी करने को तैयार हो जाती है। ऐसे में वो एक बकरा भी तैयार कर लेती है जो उसी के घर के पास में एक स्टोर के अंदर में पार्ट टाइम जॉब करता है और वो हमारा मेन लीड रहता है। हमारा मेन लीड जो है ना वो काफी ज्यादा समझदार होता है और उसका जो फैमिली वाला पास्ट है वो एक नंबर रहने वाला है, मतलब आपको चौंका के रख देगा। और जब इन दोनों की नकली वाली शादी होगी ना, तब इन्हें सच्चा वाला प्यार हो जाता है उसी बीच। शादी में जो ड्रामा के अंदर में जो हमें सेकंड फीमेल लीड और मेल लीड देखने को मिलते हैं ना, उनका एक अलग ही रोमांस लव स्टोरी चल रहा होता है इस ड्रामा के अंदर में। तो इसीलिए ना डायरेक्टर ने सोचा चलो इनको अलग ड्रामा दे देते हैं, तो इनका भी एक अलग ड्रामा आ गया है स्पाइस ऑफ ऑल लव करके। क्या जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनसे मैं बोर नहीं होता? और इस ड्रामा के अंदर में दो एपिसोड रहेंगे जिनकी लेंथ 40-60 मिनट की रहने वाली है। नो गेन नो लव ड्रामा के अंदर में रहने वाले एपिसोड पूरे के पूरे 12 और लेंथ रहने वाली 68 मिनट की। तो दोस्तों यहीं पर वाली वीडियो को समाप्त करते हैं। यही थे 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा जो आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करने चाहिए। साथ ही में अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो हमारी जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहां पर अपडेट्स देता रहता हूं कोरियन ड्रामास के अपने कम्युनिटी पोस्ट पर यूट्यूब के और साथ ही मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर रील पर, तो आप वहां पर जाकर जरूर से फॉलो कर लेना और अपडेटेड रहना के ड्रामास के बारे में। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अपनी वीडियो में ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ में। देखते रहिए एनमास टीवी। बाय बाय।